What's going on, guys? Assalamu alaikum. Back at it with another video. I hope all of you are doing great. Last video, I said that since the camera set up, since all the things are unboxed, now this is the maze basically. इस पे हमें सारा सामान ढेर करना है, सारा सामान सजाना है और इस पूरी वीडियो में बेसिकली यही है कि आई बी सेटिंग अप द एंटायर सिस्टम. हम पहले पेरिफेरल्स और एक्सटर्नल से शुरू करेंगे, देन वी मूव ऑन टू द मेन सिस्टम. मेन सिस्टम के अंदर की जो भी चीजें निकालनी है, लगानी है, वो सब करते हैं. उसके बाद फिर देखते हैं भाई सारा सामान जो है वो हाउ इट ऑल कम्स टुगेदर. और आई होप अच्छा लगे व्हेन इट कम्स टुगेदर. बाकी ये कि भाई आप लोगों के सामने आई डू द एंटायर थिंग लाइक द प्रीवियस वीडियो. चलिए किस बात का, लेट्स गेट स्टार्टेड. यार बैकग्राउंड में ठोका पीटी ड्रिलिंग इन चीजों की आवाज आ रही होगी. आई कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट दैट बिकॉज सराउंडिंग में जो है उनमें काम हो रहा है, तो प्लीज आप हियर दैट एंड आई अपोलोजाइज फॉर दैट. लैपटॉप काफी देर से चार्ज हुआ नहीं था, तो आई पुट इट अप ऑन चार्ज और अब इतने चार्ज हो जाए बाकी चीजें लगा देते. अच्छा नेक्स्ट अप यार, मुझे आई थिंक मॉनिटर लगा देना चाहिए. उसकी वजह ये है बिकॉज मॉनिटर लगने के बाद ही सारी चीजें अलाइन होंगी कि MOSFET कितना आगे आएगा कितना नहीं आएगा. चलो ये आ गई हमारी लाश. G7 आ गया भाई और बोलते हैं इसको देखते हैं एक करके चीज निकालते हैं. सी एवरीथिंग वर्क्स. चाका निकाल दूंगा मैं पहले अपना चाका. एक छोटा सा ब्लेड मुझे टेक से लिया था, ये भी बड़ी काम की चीज आ रही है. अरे गिराया ना बस फिर काम हो जा रहा है. ये आ गया भाई हमारा मॉनिटर. ओह अच्छा इसको रखना लाभ है यार, क्योंकि ये कर्व है, इसको सामने की तरफ भी रख सकते हैं, इसको पीछे की तरफ भी रख सकते हैं. जी मुझे पता. अच्छा डब्बे के अंदर ही कुछ पड़ना है यार. ये क्या बात हुई बोल.
तो फाइनली वी हैव कम्प्लीटेड द इंटायर सेटअप और अब कमरा गेमिंग सिस्टम सब कंप्लीट हो चुका है। तो भाई ये ऐसा लग रहा है इसमें ब्लू पिंक और पर्पल कलर्स मैंने काफ़ी ज़्यादा अप्लाई करे हुए हैं, उसकी वजह ये मैंने आप लोगों को पहली वीडियो में बताया था कि आई एम अ बिग फैन ऑफ सिंथ वेव और सिंथ वेव के जो कलर्स हैं वो मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर करते हैं। ये मैंने नए लगाए स्मार्ट लाइट पैनल्स जो कि OGTEC से लिए थे मैंने। यहाँ पे इनके केबल ऑर्गेनाइजर भी लगाए हुए हैं जिसमें मैंने मैक्सिमम कोशिश करी है तारों को छुपाने की। अब बाकी जो तार नहीं छुपे हैं यार आई कैन नॉट हेल्प इट। सेकंड वो इनका सकुरू लैंप रखा हुआ है, उसमें एनिमेशन चल रही है, उसका मोड एक बड़ा जबरदस्त सा चल रहा है पिंक कलर में। वी हैव आवर ज़ाइफ्रस G14 ओवर हियर, हमारा G7 ओडिसी मॉनिटर ये रहा, यहाँ हमारा हंट्समैन मिनी 60% कीबोर्ड है, ये डिजिटल क्लॉक एली एक्सप्रेस से ली हुई, ये रहा हमारा रेजर नारी अल्टीमेट, इसकी लाइट इसलिए डिम हुई है बिकॉज वॉलपेपर इंजन जो है वो इसकी लाइट कंट्रोल कर रहा है इस वक्त, सिमिलर टू द कीबोर्ड वॉलपेपर इंजन उसकी भी लाइट कंट्रोल कर रहा है। उसके अलावा हमने भाई ऊपर की लाइट्स जो है वो सारी ब्लू करी हुई है और नीचे की लाइट्स जो है भाई डेस्क वाली प्लस दैट लैम्प ये सब हमने करा हुआ है पिंक। कूगर का बंकर एस हेडफोन स्टैंड उसकी भी लाइट हमने पिंक करी हुई है। ये आ गया हमारा मेन सिस्टम। स्पेक्स का थोड़ा जल्दी से रन डाउन दे देता हूँ मैं आप लोगों को भाई। ऊपर हमारा गैलार्ड 360 लगा हुआ है, इसने बहुत थका है मुझे, इसका एक पंखा ख़राब निकला था। आई कॉन्टेक्टेड ज़ा कंप्यूटर्स जिनसे मैंने ये लिया था, उन्होंने बोला भाई लियानली वाले बोल रहे हैं कि महीना लग जाएगा तकरीबन पंखा आने में, आई कुड नॉट वेट दैट लॉन्ग। फिर हमारे लॉजिस्टिक्स मैनेजर हैं आमिर भाई लव यू, वो यूनी प्लाजा से पंखा ठीक करा के लिया और वो आगे वाला पंखा है ना वो बिल्कुल बेहतरीन चल रहा है। इसका मोड जो है भाई वो ब्लू ओवरलैपिंग मैंने लगाया हुआ है। हमारा बोर्ड है Z390F, इंटेल 9700 के हमारा प्रोसेसर है, जी स्किल ट्राइडेंट जी 32GB 36MHz वाली हमारी रैम लगी हुई है, ये हमारा RTX 3080 लगा हुआ है, नीचे हमारी EVO 860 लगी हुई है, दो एक 1TB और एक 512GB है। इसके अलावा यहाँ पे एक EVO 870 भी लगाई हुई है मैंने, वो भी 1TB है, वो हमारी पीछे EVO 970 लगी हुई है M2 लियानली के स्ट्रिमर केबल्स लगे हुए हैं। इसमें थोड़ा सा मसला ये हुआ है कि रेडिएटर का जो पाइप है वो रैम्स को कवर कर रहा है, बट चूंकि आई डिड नॉट वॉन्ट टू स्विच दिस केस, एब्सोल्युटली लव दिस केस, तो थोड़ा सा क्रैम्प्ड सीन हो गया बट इट स्टिल डज नॉट लुक दैट बैड। एक लियानली का ये पंखा लगा हुआ है, इसको मैंने पिंक पे करा हुआ है, इसके साथ साथ मैंने कूलर भी जो है वो पिंक पे करा हुआ है। यहाँ पे जो है डेजी चेन हमने पंखे लगाए हैं। अब आप बोल लोगे यार छुपा दिए तो डेजी चेन पंखों का फायदा क्या है, बात वही आती है मैंने ये केसिंग नहीं चेंज करनी थी, हो सकता है यहाँ से दिख जाए। वो देखें भाई डेजी चेन पंखा एक, उसके नीचे दो तीन, और वो भी मैंने पिंक पे लगाया है। इसके अलावा भाई मैंने केसिंग का आप लोगों को बता दिया था, NZXT Noctis 450, इसके मैंने ऊपर का भी पैनल लगा लिया है, मैंने आगे का भी पैनल लगा लिया, तो आप लोग देख सकते हैं कैसी लग रही है। इसके अलावा हमारा ग्लोरियस का डबल XL माउस पैड रखा हुआ है यहाँ पे, तो दैट प्रीटी मच कवर्स एवरीथिंग। मैं क्विक शॉट एक दिखा देता हूँ आपको ये लगा के, इसका पैनल लगा के कैसा लग रहा है। ये हमने इस पर पैनल लगा दिया है, हमारी DX Racer की क्लासिक सीरीज की चेयर है, ये चेयर मैंने नई ली है, इट्स माई ओल्ड बैटल टेस्टेड चेयर जिसमें मैंने खूब सारा टाइम गुजारा, आई थिंक 2019 में ली थी ये। और इस चेयर की सबसे अच्छी बात यह भाई कि इसका जो है वो ये फुट स्टैंड जो है ये बाहर आ जाता है, तो एज यू गाइस कैन सी इस तरीके से अगर आपको थोड़ा रिलैक्स होना हो तो आप इस पे पांव रख के बैठ सकते हैं, विच आई थिंक इज अ ब्रिलियंट फीचर। ये सारी चीजें हो गई हमारे सेटअप की, फाइनली वी आर डन विद द रूम एंड फाइनली वी आर डन विद द गेमिंग सेटअप। अब भाई करना ये है कि आराम से बैठना और चीज़ें रिव्यू करनी है। आई हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू रिव्यू, मेरे पास बहुत सारे जूते हैं रिव्यू करने के लिए, मेरे पास बहुत सारा टेक का सामान है रिव्यू करने के लिए। तो भाई अब से सारी चीज़ें सेटल हो गई हैं तो मैं आराम से बैठ सकता हूँ वीडियोस शूट करने के लिए और आराम से बैठ सकता हूँ वीडियोस एडिट करने के लिए। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।